किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों के समूह गठित करने पर फोकस किया गया था। उक्त एफपीओ के माध्यम से किसानों के समूहों को कृषि उत्पादन इनपुट, कृषि उपकरण जैसे कल्टीवेटर, हार्वेस्टर आदि की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त अनाज की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन आदि गतिविधियों से भी किसानों को जोड़ने के लिए एफपीओ का गठन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अब किसानों को खाद, बीज और दवाइयों के लाइसेंस भी जारी करने का फैसला किया गया है। सरकार किसानों को संगठित करके उनके रोजगार को सुनिश्चित करना चाहती है। ऐसे में किसानों को समूह बनाकर एफपीओ तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 157 एफपीओ गठित किए जा चुके हैं। वहीं सोनीपत की बात करें तो सोनीपत जिले में अब तक 10 एफपीओ गठित किए जा चुके हैं। कृषि विभाग का प्रयास है कि सभी एफपीओ को जल्द से जल्द खाद, बीज व दवाइयों का लाइसेंस जारी किया जाए ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। सोनीपत जिले में खाद, बीज और दवाइयों के लगभग 400 लाइसेंस धारक हैं। खाद वितरण प्रणाली को कृषि विभाग द्वारा ऑनलाइन किया गया है। मशीनों के माध्यम से खाद का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। मौजूदा समय में खाद की डिमांड भी काफी अधिक बनी हुई है। जुलाई व अगस्त माह में खाद की डिमांड 10,000 एमटी से अधिक पहुंच जाती है। सर, लास्ट वीक हमारे पास हेडक्वार्टर से लेटर आया है कि आपके जिले में जितने भी एफपीओ है उनको खाद, बीज और दवाई का लाइसेंस इशू करना है ताकि वो भी किसानों के साथ सीधे तौर पर जुड़ सके और उनका एक कमाई का साधन भी बन सके। जिला सोनीपत में हमारे 10 एफपीओ काम कर रहे हैं, जिनमें से 4 एफपीओ ने सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का लाइसेंस बनवाया हुआ है और 1 एफपीओ ने सीड का लाइसेंस बनवाया हुआ है। बाकी जो बचे हुए हैं उनको कल हमारे कर्मचारी द्वारा फ़ोन करके ये सूचना दे दी है ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो जमा करवा दें ताकि उसी हिसाब से उनका एफपीओ का सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का लाइसेंस बन सके और वो भी मार्केट में या किसानों को खाद, बीज, दवाई उपलब्ध करवा सके। सर, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये पहल है कि जितने भी एफपीओ संगठन बन रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ बनाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी उसमें हो सके। किसान भाई इस धंधे से इस लाइन में आएंगे, इसमें जुड़ेंगे तो ये तो आपको पता ही है कि असली प्रोडक्ट किसानों तक पहुँचेगा और इस लाइन में ज़्यादातर जो किसान भाई जुड़ेंगे तो उनको एक उनका जो लेवल है नॉलेज का, ज्ञान का लेवल है वो भी बढ़ेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।